जा रहे हैं खलंगा। खलंगा एक जगह है रायपुर में, नालापानी में। आपको दिखाते हैं वो जगह कैसी है। अभी हम रायपुर में वन वे में चल रहे हैं हाथीखाना चौक से। हम लेफ्ट में जो मुड़े हैं उसके बाद ये सिंगल वे रोड है। घुस चुके हैं विज्ञान बिहार में। खलंगा जाने का आपका शॉर्टकट तरीका। सामने आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए क्वार्टर्स बनाए गए हैं। ये कॉलोनी उनके लिए ही बनाई गई है। देखिए सामने इसी कॉलोनी के बगल से जो रोड जा रही है, हम उसी रोड में सीधा चलते जा रहे हैं नालापानी की तरफ। अब हम एंटर करने वाले हैं सुंदरवाला में। सुंदरवाला रायपुर में एक जगह है, नालापानी से पहले ये जगह आती है। आपको दिखाते हैं सुंदरवाला कैसा दिखता है। अब हम आ गए हैं मेन रोड की तरफ। अब हमें जाना है राइट नालापानी की तरफ। अब हम आ गए हैं नालापानी और नालापानी से हम लेंगे राइट की तरफ खलंगा के लिए। अब हम एंटर कर चुके हैं खलंगा वाली रोड पे। यहाँ पर ऊंचाई पर तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर बाद खलंगा जो जगह है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है। रोड की हालत बहुत ही बुरी है। देख सकते हैं आप किस तरीके की रोड है यहाँ। 2-3 बार हम गिरते गिरते बच गए हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं खलंगा में। खलंगा में हम जा रहे हैं गोरखा रेजिडेंट के जो स्मारक बना रखी है
हम वहाँ पे जा रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, जो ये स्मारक बना रखी है देहरादून में खलंगा में, ये स्मारक दुश्मनों ने बना रखी है, हमारे दुश्मनों ने। हमारे दुश्मन कौन थे? अंग्रेज, ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य ने गोरखा जो रेजिडेंट है उनके लिए स्मारक बना रखी है यहाँ खलंगा में। हम उसी को देखने जा रहे हैं। और ये क्यों बनाई गई थी इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूँ, क्योंकि जब ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे भारत पे, लगभग आधा भारत उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, और उत्तराखंड में, जब वो उत्तराखंड में अपना कब्जा करने वाले थे, तो उन्होंने जो टारगेट चुना वो खलंगा का जो टीला है वहाँ पर अपना टारगेट चुना उत्तराखंड को कब्जे में लेने के लिए। लेकिन यहाँ की गोरखा पलटन या गोरखा रेजिडेंट जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। 10,000 सैनिक जो ब्रिटिश साम्राज्य के थे उनको मार गिराया था, और इसी से प्रभावित होकर हमारे दुश्मन जो कि ब्रिटिश साम्राज्य है उसने इनकी याद में स्मारक बना दिया, और आज हम उसी स्मारक को देखने जा रहे हैं। और यही स्मारक एक और इंग्लैंड में भी मौजूद है। तो ये स्मारक दर्शाता है कि कैसा भयंकर युद्ध हुआ था गोरखा रेजिडेंट और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में, जो ब्रिटिश साम्राज्य के 10,000 सैनिक थे उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी, ये उसके युद्ध को दिखाता है। उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया था, और अंग्रेजों ने ही ये स्मारक को बनाया था। और इस स्मारक में आपको देखने को मिलेगा तीन खुकरी, गोरखों की तीन खुकरी, उसी खुकरी से इन्होंने अंग्रेजों को मारा था। दिखाओ बस थोड़ी, आओ दिखाते हैं आपको।
निकल लिए हैं स्मारक के दर्शन, अब हम जाएंगे अपने घर। आज की वीडियो होती है समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Oh, 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 oh